कहाँ से आ रहे बेटा? औरंगाबाद औरंगाबाद सिद्धगिरा सिद्धगिरी बाग हाँ सिद्धगिरी बाग ना वहाँ पे कहाँ पे घर है? औरंगाबाद चौकी देख रही हैं? औरंगाबाद चौकी हाँ चौकी के सीधे जब बढ़ेंगे तो बीच में निमामाई का मंदिर है। अच्छा निमामाई का मंदिर ठीक सामने गली है हाँ? उसी गली के अंदर है। अच्छा मौली बाग जो गेट है वहाँ पल सब एक बेचता है कोई मौली बाग के बाहर हाँ। मौली बाग है ना सिद्धगिरी बाग पे हाँ। अच्छा देखें ना वहाँ पर भी आपका है क्लिनिक सर हाँ वहाँ बोर्ड लगा है हाँ। मेरा वहाँ बोर्ड लगा है लेकिन वहाँ अभी दवा बंद हो गई है यहीं से दे रहा। ठीक है नंदलाल जी आपको दिक्कत क्या है परेशानी यहाँ कैसे पहुँचे? मैडम हम अभी एस के यादव सर से दिखा के जा रहे थे। एस के यादव पेट वाले हाँ लीवर के डॉक्टर है वो। अच्छा उन्हीं का दवा मैडम साल दो साल से चल रहा है। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि उन दवा की तुमको आधी बनाती है मतलब दवा खिलाते खिलाते दवा इतनी महंगी महंगी मैडम चल रहा है 100 रुपये 150 रुपये रोज की दवा है और 2 साल से हम दवा करें मैडम इतनी जाँच करा ली कुछ भी नहीं निकला। हम मैडम कुमार अभिषेक को दिखा चुके हैं और रोहित गुप्ता को दिखा चुके हैं जितने बनारस में स्पेशलिस्ट लीवर के सबको दिखा चुके हैं कुछ भी नहीं निकला है कहीं भी। इतने बड़े बड़े डॉक्टर दवा कर चुके हैं हाँ तो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? बस परहेज करो एक्सरसाइज करो ठीक हो जाएगा लेकिन दवा चला ही रहे हैं। पूछते नहीं डॉक्टर तो क्या दवा कब तक चलेगी? क्या हम बताएं मैडम शाम ज़्यादा दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा जब दिक्कत होगा तब इंजेक्शन लिख देंगे तो इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन लगता है किस चीज़ के इंजेक्शन? गैस की। अच्छा गैस की इंजेक्शन बाबू बैठ जाओ गैस की इंजेक्शन लगती है? हाँ मैडम इतना दिक्कत हो जाता है तो क्या चक्कर उल्टी बेचैनी पागलपन हो जाता हाँ, है हाँ। इसे लगता है पागल हो गए? हाँ इसे लगता है भारी भारी एकदम घबराहट बेचैनी उठ उठ के टरने लगते हैं लगता किसी को मार दें अच्छा नहीं होता मैडम लेकिन अच्छा लगने लगता है कि अब जान निकल जाएगा जान निकल जाएगा इतना बिल्कुल मतलब कैसा लगता है मतलब सीने में दर्द होता है क्या? दर्द नहीं होता है घबराहट खड़े होगा हमको। अच्छा बेचैनी होगी? हाँ बेचैनी घबराहट मतलब पूरे बॉडी बेचैनी सर से लेकर पैर तक हाँ। अच्छा तो ये लोग कुछ बताते नहीं है क्या दिक्कत है? देखेंगे दवा लिखेंगे फिर उसके बाद कुछ सीरप बदलेंगे तो टेबलेट बदलेंगे खाली पेट की दवा चलाएंगे बस यही सब है। फिर ज़्यादा दिक्कत बताएंगे तो इंजेक्शन ले देंगे इंजेक्शन लगेगा तो फिर आराम हो जाएगा फिर कुछ दिन बाद फिर वही दिक्कत चालू हो जाएगा। तो वो कहते नहीं कब तक दवा चलेगी? ये तो कभी कहे नहीं है कि हाँ अब दवा बंद होगा या ये होगा वो होगा। बीमारी क्या है ये बात है? नहीं खाने पीने बस हमको बोल रहे थे कि ऐसे देखे सब सारा रिपोर्ट वपोर्ट कि हम हार गए तुमसे तुम मेंटल डॉक्टर दिखाओ तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो दिमागी उलझन है तुमको। ऐसी बात है क्या दिमाग की उलझन? नहीं मतलब टेंशन रहता है बिजनेस का घर का मैडम थोड़ा वैसे सोचते रहते हैं खाली और गैस। अच्छा तो बोल रहे हैं कि अब हार गए? हाँ दवा बहुत दिन से चल रहा तुम जाओ मेंटल डॉक्टर दिखाओ हमको भेज देते वहाँ पे एक डॉक्टर हैं साहब संकट मोचन के पास एक्सरसाइज उसे बताते हैं थोड़ा। डॉक्टर मिश्रा तिवारी करके कोई है? अच्छा मतलब बता रहे थे मतलब जब ये लोग नहीं देख पाते हैं तो उन्हीं के पास भेज देते हैं नहीं सही होता है तो। अच्छा एस के तिवारी करके कुछ है हाँ मेंटल के हैं? मेंटल के नहीं गैस से की हर दवा की मतलब दवा उनका काम नहीं करेगा तो उधर बैठ देंगे कोई बीमारी नहीं निकलेगा कोई रोग नहीं निकलेगा दवा नहीं लागू होगा तो उनके पास भेज देते हैं। अच्छा संकट मोचन के पास है? हाँ अच्छा। हमको बोले थे हम दोबारा उनके पास कभी गए नहीं। एस के यादव तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं पेट के लिए हाँ तो भी हाल है उनसे नहीं ठीक हो रहा? नहीं तो आप यहाँ ठीक हो जाएंगे क्या? अब आपके पास आए हम तो डॉक्टर नहीं है। अब आपके पास आए हैं लिखा है 3 दिन में आराम हो जाएगा हम डॉक्टर नहीं है। ठीक है बेटा हम डॉक्टर नहीं है ठीक है मेरी ज्वेलरी शॉप है और मैं शुगर वालों को बचाने के लिए सोशल वर्क कर रही थी लेकिन आज के डेट में सबको दे रही हूँ जिसको दे रहे हैं वे ठीक हो जा रहा है जिसको दवा दे रहे हैं वे ठीक हो जा रहा है। ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे मात्र 5 डेज के अंदर और पूरी दवा 15 दिन खा लेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे लेकिन 45 दिन दवा नहीं छोड़नी है। 45 दिन करना है? 45 दिन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा 1.5 महीने हाँ ऐसे तो आप 15 दिन की दवा के बाद ही भाग जाएंगे। नहीं मैडम बहुत दिन से परेशान है। आप ठीक हो जाएंगे ना हाँ। कोई भी पेशेंट ठीक होता है तो छोड़ देता है दवाई। मैडम 45 दिन कर रही हैं हम 2 महीना करने के 3 महीना करने के तैयार है मैडम 2 साल से हम परेशान हैं तो 2 महीना 3 महीना तो आपकी दवा भी तो बहुत महंगी नहीं है हमारे लिए अब कहाँ हम 100 रुपये रोज का दवा कर रहे हैं 100-125 की मैडम हम लाखों रुपये पर बात कर चुके हैं आप विश्वास नहीं करेंगे। हम समझ रहे हैं नंदलाल जी हम समझ रहे हैं लेकिन हम मेरे कहने मतलब ये है ना कि पहले मीटिंग में ही आदमी ठीक हो जा रहा है शुगर वाला अरे गैस वाला
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पहली मीटिंग में ही ठीक हो जा रहा है। 3 डेज में 3 खुराक में आराम, 3 डेज में ठीक, 5 डेज के बाद बिल्कुल ठीक, 15 दिन के बाद तो बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे, सोचेंगे अब तो हम ठीक हो गए हैं। ठीक होंगे तो दवा क्यों करेंगे, लेकिन एक बार और ले लीजिएगा, एक बार या 2 बार और ले लीजिएगा। 45 दिन 15-15 दिन का दवा रहेगा, 3 बार ले लीजिएगा।